जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने आज रियासी के डीपीओ कार्यालय के बाहर शहीदों के स्मारक का अनावरण किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही उन्होंने रियासी के माहौर का भी दौरा किया। इस मौके पर डीजीपी ने कहा कि रियासी जिला हमारे उन जिलों में है जहां पर किसी जमाने में आतंकवाद का बहुत ज्यादा बोलबाला था और आज खुशी की बात है कि रियासी जिला काफी लंबे अरसे से आतंकवाद से मुक्त है। हां, फिलहाल में साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी हरकतें हुई हैं जिससे मिलिटेंट्स को दोबारा कहीं न कहीं अपनी जगह बनाने के लिए साजिश करते हुए देखा गया है, परंतु साथ ही ये भी कहा गया कि जवानों की बहादुरी और टाइम पर आतंकियों की साजिश को नाकाम करते हुए जो है उन्हें इसमें सफल नहीं होने दिया है। सी हमारे उन जिलों में है जहां पर किसी जमाने में मिलिटेंसी का बहुत ज्यादा बोलबाला था। आज ये खुशी की बात है कि रियासी का जिला काफ़ी लंबे अरसे से मिलिटेंसी फ्री रहा है। हाल फिलहाल में कुछ ऐसी हरकतें हुई जिसमें मिलिटेंसी को दोबारा कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाने के लिए साजिश हुई, मगर मुझे इस बात की खुशी है कि जम्मू पुलिस और हमारी फोर्सेस जो बड़ी मुस्तैद हैं उन्होंने बहुत टाइमली उस साजिश को नाकाम किया और एक बहुत बड़ा आतंकी जो पाकिस्तान की एजेंसीज जिसको डायरेक्टली पाकिस्तान से हैंडल कर रही थी उसकी सारी की सारी नेटवर्क को बेनकाब किया और जो लोग मुलव्वस थे अलग अलग तरह की टेरर एक्टिविटीज़ में उनको पकड़ा गया और पकड़ने के बाद सख्त कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ हुई और वो अभी भी जेल की सलाखों में बंद हैं। हमारी लंबे अरसे की जो जद्दोजहद जो जंग जो लड़ाई आतंक के खिलाफ चली उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत से हमारे बहादुर जवानों ने एसपीओज ने ऑफिसर्स ने अपनी जान की होती अपने मुल्क के लिए अपने लोगों के लिए दी। हमारी ये कोशिश रहती है कि हम उन शहीदों को याद करें, उनकी यादगारें जगह जगह पर बने। जम्मू कश्मीर में झूठी सरकार की तरफ से बहुत सारे स्कूल सड़कें चौक चौराहे उनका नामकरण शहीदों के नाम पे किया गया और अभी जगह जगह पर हम लोग शहीदों की यादगारें जो हैं उनको तमीर कर रहे हैं। उसी कड़ी में एक ये यादगार भी आज जहां पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस रियासी ने बनाई है, मैं इनको शाबाश कहना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने जो एक अच्छा काम किया है इसके चलते जब भी हम जहाँ से गुजरें अपने ऑफिस की तरफ चलते हुए जब लोग आएँ उनको हमारे शहीदों की याद ताज़ा होती रहे। हम लोग पूरी तरह से मुस्तैद हैं और हर रोज़ कोई ना कोई नई साजिश जो पार से घड़ने की कोशिश की जा रही है उसको नाकाम किया जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि जो अमनोमान का माहौल जो लोगों की कोऑपरेशन के साथ आउन के साथ यहाँ पर पैदा हुआ है इसको हम और मजबूत करेंगे, इसकी हर लिहाज से इसकी सुरक्षा करेंगे। सर, सर्दियाँ आने वाली हैं और सरहद पार से आतंकी घुसपैठ जो है वो करने की इख्तियार में है, सर क्या कुछ बंदोबस्त किए गए हैं? सरहद से जो दहशतगर्दों का आना हथियारों की आमद जो दहशतगर्दी को जहाँ पर हवा देने के लिए जिंदा रखने के लिए चलाने के लिए होती है वो कार्रवाइयाँ बीच बीच में होती रही मगर ज़्यादातर कार्रवाइयाँ नाकाम हुई हैं, ज़्यादातर कार्रवाइयाँ जो हैं फेल की गई हैं। कोई ना कोई कार्रवाई इस तरह की कभी कामयाब हो भी जाती है जिसके बाद में पुलिस और फोर्सेस मिल करके उन लोगों को जो सरहद पार से आते हैं उनका सफाया करते हैं। बहुत से ऐसे लोगों का सफाया किया जा चुका है। आपको याद होगा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के विज़िट के दौरान एक ऐसी कोजी एक ऐसी बेहुदा हरकत एक साजिश ऐसी हुई थी जो आतंकी पार से आए फदाइन के नज़र से यहाँ पर जम्मू में उन्होंने अपनी जगह बनाई थी और टाइम रहते ही उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया था। ऐसी ही कुछ इन्फिल्ट्रेशन की बिड्स रजौरी पुंछ के एरिया में हुई हैं, कुछ एक कामयाब ऑपरेशन उस एरिया में हो चुके हैं। कुछ लोग पार करके कश्मीर की वैली में भी गए, वहाँ पर भी कुछ लोगों का सफाया हो गया है। जो सरहद पार से लॉन्चिंग पैड या बाकी ट्रेनिंग सेंटर से दहशतगर्दों को तैयार करके इधर भेजने की कार्रवाई है बीच बीच में हो रही है, मगर उसके साथ हमारी जो इधर से कोशिश है इस चीज़ों को नाकाम करने के लिए इन चीज़ों को बेनकाब करने के लिए वो भी बराबर जारी है और हमें
लगभग हर खित्ते में कामयाबी मिली है। जाति विशेष के धर्मगुरुओं को हिरासत में लिया, उनको पकड़ा गया है, क्या माहौल में फिर से आतंकवाद को जन्म देने की कोशिश है? और जो कटरा में बस में एक आग की घटना आई थी उस पर क्या जानकारी है, क्या स्थिति? मैंने पहले ही जिक्र किया है कि जो कार्रवाई पार से साजिशक बनी थी कि दोबारा से कुछ एक जगह ऐसी तैयार की जाए, उसको नाकाम कर दिया गया है। जो बस की घटना हुई थी उसकी तफ्तीश में जो भी चीज़ें हमारे सामने आई हैं उसके मुताबिक तफ्तीश की कार्रवाई चल रही है और जो भी जरूरी तथ्य होंगे वो कोर्ट के सामने पेश किए जाएंगे। सर, जाति विशेष के धर्म गुरुओं को भी कहीं ना कहीं हिरासत में लिया जा रहा है, महबूबा मुफ्ती जो है वो भटक रही हैं और PSS लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी सर उसके ऊपर? और मदरसों के ऊपर भी सर क्या कानून जात बरादरी जाति धर्म उसमें यकीन नहीं रखता है। कानून सिर्फ ये देखता है कि कानून के खिलाफ कौन काम करता है और जो कानून के खिलाफ काम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिर ज़रूरत है कि हम इसके साथ जुड़ें और नशे की जो लत जो इस वक्त हमारे नौजवान पीढ़ी को ख़राब कर सकती है उसको रोका जाए। PSA लगाए जाएंगे सर, जो भी बिल्कुल PSA लगाए जाएंगे जो लोग इस कार्रवाइयों में शामिल हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस तैयार हो चुके हैं, जम्मू पुलिस ने PSA तैयार करके कुछ लोगों को PSA लगा दिए हैं और बाकियों की कार्रवाई। सर एक अंतिम सवाल सर, SPOs के लिए रियासी से करणदीप सिंह की रिपोर्ट।